गुजरात में लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में अहमदाबाद के पश्चिम के उम्मीदवार डॉक्टर किरण सोलंकी ने मशहूर कलाकार को प्रचार प्रसार के लिए आमंत्रित किया है। कौन है वो कॉमेडी मशहूर कलाकार, आइए देखते हैं। गुजरात लोकसभा चुनाव फिर से जीतने के लिए भाजपा के अहमदाबाद पश्चिम के उम्मीदवार डॉक्टर किरण सोलंकी ने मतदाता तक अपने प्रचार प्रसार के लिए आज घोड़ासर के वैभव हॉल में मशहूर कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव को आमंत्रित किया। गजोदर ने लोगों को हास्य मनोरंजन तो किया, परंतु इतना ही नहीं, लोगों को हंसाते हंसाते भाजपा को वोट देने की भी अपील की। लालू तो बहुत विशेष आदमी है। लालू ने एक बार बोला टीवी पे, हम कोई मामूली आदमी है, हम कोई मामूली आदमी है, हम पूरे देश में किए, हम जो जेल का उद्घाटन किए है उसी जेल में बंद हूँ। मैं भी चौकीदार हूँ। हर कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार हूँ, इसका जवाब कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, इसके जवाब में सोनिया के मुंह से निकल गया, मैं भी जमानत पे हूँ। राहुल बोला मैं भी जमानत पे हूँ, चिदम्बरम बोला मैं भी जमानत पे हूँ, वाड्रा बोला मैं भी जमानत पे हूँ, लालू प्रसाद बोले हमारा पहले जमानत करवाओ। मैं सबसे पहले तो मैं सब जगह सारे प्रदेशों से होते आ रहा हूँ, और बिहार यूपी हो या बंगाल हो, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू, और मैं देख रहा हूँ पूरा बीजेपी का माहौल बना हुआ है और बीजेपी गवर्नमेंट वापस आ रही है। यहाँ पे मैं आया हूँ डॉक्टर किरीट जी के लिए, इस वक्त तो लोगों से यही अपील करने आया हूँ कि किरीट जी को भारी मतों से जितवाइए, क्योंकि भाजपा का विकल्प कुछ है नहीं और भाजपा जैसा कोई कर सकता नहीं। मगर आज एक माहौल पूरा देश में बना है, गुजरात में बना है, अहमदाबाद में बना है, पूरा लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और आज का माहौल है 2014 का भी एक नरेंद्र मोदी के नाम की एक लहर थी। मुझे उस बार मैंने चुनाव लड़ा था और 3.5 लाख की वोटों की बढ़त मिली थी, मगर इस बार का जो है चुनाव, मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और मरीज की नाड़ी देख के उसका इलाज करना वो मेरा पेशा रहा है। मैं आज लोगों की नाड़ी देख रहा हूँ और मुझे ऐसा प्रतीति होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस नाड़ी में कुछ बदलाव हुआ है, इस नाड़ी में लोग नरेंद्र भाई से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। इस बार सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की लहर नहीं है, इस बार नरेंद्र मोदी जी के नाम की सुनामी है, और इस सुनामी में कांग्रेस के साथ सभी विपक्ष ध्वस्त होने वाले हैं। मोदी जी 350 सीटों के साथ देश के दोबारा बड़ा प्रधान बनेंगे 2019 में और नए भारत का निर्माण करेंगे। 23 अप्रैल को गुजरात में लोकसभा चुनाव है और 23 मई को उसका नतीजा है, लेकिन देखने की यह बात है जितनी संख्या में प्रचार प्रसार कर रहे हैं क्या उतनी संख्या में उनको वोट मिलेंगे, विजय होंगे। कैमरामैन हर्षल के साथ प्रियंका राठौर, newsviews.com।